Hello and welcome to Arogyam Nutrition. As we all know the goodness of oats, so today's healthy recipe is oatmeal chapati, which is further enriched with spinach. Palak ek green leafy vegetable hai, which has high fiber, iron and folic acid. It also has high amount of oxalates and potassium, so isliye agar aapko koi kidney se related issue hai, to always ask your doctor or dietitian. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पिनच ओटमील की रोटी। जो चपाती है उसके लिए हमें चाहिए ओटमील, ओट्स का आटा। हम ऑलमोस्ट 2 से 3 चपाती का आटा बनाएंगे, तो 50-60 ग्राम आटा हमारा इनफ है। और हमें चाहिए स्पिनच, इसको हमने वॉश कर लिया है, थोड़ा छोटा वाला पत्ता हमने लिया है और इसके साथ जो डंडियां हैं वो बिल्कुल नहीं लिए हैं। इसके स्टॉक्स अगर हम लेते हैं तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कई बार रोटी में अच्छी नहीं लगती है, कई बार बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे पत्ते मैंने तो अपने किचन गार्डन से लिया है, लेकिन अगर आप मार्केट से भी बाय करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रख के छोटे वाले पत्ते बाय करें। और इसमें हम डालेंगे सेसमे सीड्स, जो कि कैल्शियम रिच हैं। सेसमे सीड्स इस रोटी में कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पालक को जो है प्योरी फॉर्म में करना है, हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने लिया है ओटमील, ओटमील में हम ऐड कर रहे हैं सेसमे सीड्स और अब हम इसको डायरेक्ट जो है पालक की प्योरी से आटे को नीड करेंगे। थोड़ा स्लोली स्लोली ऐड करेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही हम ऐड करेंगे। ग्रीन कलर का आटा रेडी हो गया है, हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। डस्टिंग फ्लावर हम डस्ट कर लेते हैं ताकि रोटी चिपके नहीं। आप इस रोटी से अगर रैप्स बनाना चाहते हो तो वो रैप्स भी बन सकते हैं, जैसे हम व्हीट रैप्स बनाते हैं ऐसे ही हम ओट्स के भी बना सकते हैं। लेट्स बेक द चपाती। ओट्स की रोटी रेडी हो गई है, थोड़ा सा हम इस पर देसी घी लगा देंगे। वीट के कंपैरिजन में स्लाइटली ये रोटी जो है थोड़ी हार्ड होती है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं खाई जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो लीजिए रेडी हो गई है हमारी स्पिनच ओटमील रोटी। इट इज़ गुड टू हैव इफ यू हैव high cholesterol, high blood pressure, PCOS, anemia, diabetes and also during pregnancy, lactation and menopause. This colorful chapati is healthy for your growing kids also. Stay tuned with Arogyam Nutrition for health tips and healthy recipes.